बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग करना दिखाऊंगी आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसकी 11 इंच जो है वो पेटी अलग कर लूँगी। पेटी जो है वो इसकी मैंने छोटी रखी है, ज़्यादा लंबी नहीं रखी, या जिस हिसाब से होती है वैसे भी नहीं रखी। तो यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद बाकी जो इसकी है यहाँ से भी जितनी होगी कमीज़ की फ़िटिंग वगैरह उसके हिसाब से यहाँ से मैं इसकी भी निशान लगा के कटिंग कर लूँगी। ये करने के बाद यहाँ से मेरी जो इसकी है फ़िटिंग आ रही है वो तकरीबन 10.5 इंचेस आ रही है। तो बाकी जो है इसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा रख के मैं कटिंग कर दूँगी। बाकी ये जो हिस्सा है इसका यहाँ पे मैं दोनों साइड जो है ना एक एक प्लेट डालूँगी। इस तरह से मैंने इसको रख के, इस तरह भी आप ये इस तरह से रख के उल्टी साइड से मैं सिलाई लगा लूँगी इसकी। तकरीबन 2 इंच नीचे की तरफ जो है ना वो मैं सिलाई लगा दूंगी इसकी। और ये इस तरह से इसकी पेटी आएगी ऊपर, सही है। इसके बाद जो है इसकी बैक साइड है, जो बैक साइड है उसकी अभी मैं कटिंग नहीं करूंगी क्योंकि उसकी जो है दरमियान में मैंने एक ही प्लेट डालनी है। प्लेट डाल के तो उसकी कटिंग उसके बाद मैं करूँगी। ये इसकी बैक साइड है, इसकी मैं प्लेट डालूंगी दरमियान से। तकरीबन डालूंगी मैं 4 से 5 इंच लंबी क्योंकि फिर उसकी कटिंग भी ऊपर से आएगी। तो इस तरह से इसकी प्लेट डाल के उसके बाद फिर मैं इसकी बाकी कटिंग करूंगी। यहाँ पे मैं स्लीव्स की कटिंग कर लेती हूँ। स्लीव्स की जो है वो थोड़ा सा मैंने पफ स्टाइल बनाना है, ज़्यादा नहीं करना, ऊपर चुनर ज़्यादा नहीं डालना है। इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे आ रही है 21 इंच। तो बाकी जो है इसके ऊपर एक्स्ट्रा मैं रखूँगी क्योंकि मुझे चुनर डालने, अगर मुझे ज़्यादा चुनर डालने होते तो मैं ज़्यादा यहाँ से लंबाई रखती, लेकिन फ़िलहाल मुझे कम चाहिए तो यहाँ से मैं रखूँगी तकरीबन 4 इंच। मुझे यहाँ पे थोड़े से चुनर चाहिए इसलिए यहाँ पे मैं 4 इंच रखूँगी। यहाँ पे सीधी लाइन खींच लेती हूँ, उसके बाद इसको मैं शेप दे दूँगी। ये इसको मैंने शेप दे दी। तो यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है कपड़ा रख के जो कि मेरा सिलाई में जाएगा वो रख के तो इसकी मैं कटिंग करती हूँ। इस तरह से होगी। बाकी ये जो फ्रंट है इसका यहाँ से भी मैंने चुनर डालने हैं तो यहाँ से मैं कटिंग नहीं करूँगी इसको भी, बस सीधा यहाँ से थोड़ी सी कटिंग करूँगी क्योंकि फ्रंट से मुझे ज़्यादा चुनर चाहिए। अब ये जो इसकी फ्रंट साइड की पेटी है वो मैं इसका गला जो है वो मैंने कट कर लिया तो एक्स्ट्रा कपड़े पर लगा लूँगी। उसके बाद ये मैंने 2 पीसेस कट किए हैं, इसको मैं दरमियान से कट करूँगी और इसकी जो है वो मैंने पाइपिंग करनी है इसी कपड़े से। यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी एक यहाँ से लगा के, तो उसके बाद इसको मैं मोड़ूंगी ऐसे थोड़े से जहाँ पे सिलाई आएगी वो इस तरह से। ये थोड़ी सी मुझे हल्की सी पाइपिंग इसकी निकालनी है तो मैं पाइपिंग निकाल लूँगी। ये मैंने पाइपिंग निकाल लिया इसकी, ये हल्की हल्की बिल्कुल बारीक बारीक मैंने पाइपिंग निकाली है इसकी। ये इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं तरपाई कर दूँगी
ये जो गला था वो भी मैंने अलग अलग पीस करके उसके तो उसको लगा लिया एक्स्ट्रा कपड़े पे, क्योंकि यहाँ पे पाइपिंग करनी थी वहाँ से मुझे कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए था फोल्ड करने के लिए। इसको मैंने दरमियान से कट करके एक्स्ट्रा कपड़े पे लगा लिया दोनों को अलग अलग करके। यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद इसको जो है यहाँ पे रख के पाइपिंग पे इसको फोल्ड करके फिर कट करके फिर उल्टी साइड पे मोड़ दूंगी, फिर बाद में इसकी सारे की तरफाई कर दूंगी। ये मैंने एक्स्ट्रा पट्टी फोल्ड की है, सिलाई लगाई उस पर, जो मैंने ये जो दोनों पीस हैं उनको जोड़ के इनके अंदर लगानी है ये पट्टी। ऊपर से मैं 1 इंच का गैप भी रखूँगी गले से। ये मेरा बन गया गला, ये तकरीबन 1 इंच का ऊपर से मैंने गैप रखा है यहाँ से, ये मैंने सारी वो नीचे पट्टी लगा दी है इसके, ये 1 इंच का ऊपर गैप रखा और ये इस तरह से पाइपिंग जो है बिल्कुल साथ जोड़ के रखी है मैंने। उसके बाद ये जो पीस है इसकी मैंने दोनों साइड एक एक प्लेट डाल लेती हूँ, एक एक प्लेट डाल के उसके बाद इसमें सीढ़ी लैस है मेरे पास जो कि मैं सीढ़ी लैस लगाऊंगी इसके साथ। ये मैंने प्लेट डाल लिया, तकरीबन 2 इंच लंबी है ये दोनों साइड से ये इस तरह से, और सीढ़ी लैस भी लगा लिया साथ। तो ये जो अब सीढ़ी लैस है ये मतलब इसको मैंने बंद करना है सीढ़ी लैस को। तो यहाँ से ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मैं उठा के रखूँगी इस तरह से, इस तरह से इधर, और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। इसे जो सीढ़ी लैस का है वाइट वाला कपड़ा वो ही नज़र आएगा। ये इस तरह से आएगा, सही है। इसको मैं सिलाई लगा लेती हूँ और जो बैक साइड है उस पर प्लेट लगा के उसकी कटिंग करके उसको भी साथ जोड़ लेती हूँ। ये इसको ना तकरीबन 4 से 5 इंच लंबी जो प्लेट में लगाऊंगी ताकि बाकी वो जो पीछे वाले गला मैंने बनाना है ना उसकी कटिंग में भी तो जाएगा। ये करके मैंने फ्रंट और बैक साइड जो है वो मैंने जोड़ ली है ये इस तरह से। ये बैक साइड की जो मेरी प्लेट आई है ये देखें, ये इस तरह से आई है, और ये जो गला मैंने बैक साइड का भी इस तरह बनाया है, ये इस तरह से फ्रंट का भी गला लगा लिया और बैक का भी, फिर इसको इस तरह से सिलाई लगा के फिर प्रेस से इस तरह मोड़ लिया। बाकी जो इसकी स्लीव्स थी वो अब मैं इसको चुनर डाल के तो वो लगा लेती हूँ। ये स्लीव्स हैं इसकी, यहाँ से मैं इसके चुनर डाल लूँगी, उसके बाद यहाँ पे मैं चाक बनाऊँगी जितनी लंबी मुझे चाक चाहिए, दोनों साइड से सिलाई लगाऊंगी फोल्ड करूंगी उसके बाद बंद कर दूंगी। यहाँ से भी सिलाई लगा के फ्रंट से भी, तो सिलाई को जो है वो मैं खींच लूंगी। ये इस तरह से मैंने स्लीव्स भी साथ जोड़ ली हैं इसके ये चुनार डाल के, और ये इसकी मैंने इस तरह से चाक बनाई है, फिर इन दोनों को जो है ना फोल्ड करके वो फिर जैसे सिलाई लगाते हैं वैसे सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने पट्टी ली है यहाँ पर लगाने के लिए आगे चुनर डाल के उसके बाद, तो ये पट्टी जो है अपनी फिटिंग के बाजू की फिटिंग के हिसाब से लेनी है। ये मैंने ली है 8 इंच 8.5 इंच तकरीबन। तो इस पट्टी को यहाँ से मैंने प्रेस से जो है ना फोल्ड किया, सही है। तो इसको जो है खोलना है और यहाँ से थोड़ा कैमरे इस साइड से हो गया, ये इस तरह से उसको खोल के आगे वाला जो हिस्सा उसको फोल्ड करके ये ये जो बाजू है ना ऐसा ये दरमियान में रखना है और सिलाई लगानी है। ये मेरा कुर्ता जो है वो फुल कंप्लीट हो गया है। ये जो डोरी है वो भी मैंने लगाई थी, वो थोड़ा मिस हो गया बताया नहीं मैंने पहले। ये इस तरह से मैंने डोरी लगाई है एक साइड ऊपर फिर बटन लगा दिया। ये मेरे स्लीव्स इस तरह से तैयार हो गए हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं, और इसके जो है गले पे भी मैंने 3 बटन लगा लिए।
और ये जो प्लेट फ्रंट साइड की थी और बाकी जो इसका चाक और दामन वगैरह उसकी मैंने तरपाई कर दी थी। अगर आप चाहें तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे तरपाई करनी थी ये इसकी बैक साइड की जो है प्लेट। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।